हेलो स्टूडेंट्स, और आप सबका स्वागत है आप सबके लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट नंबर 18 को करेंगे। जैसे कि हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, सबसे पहले आप यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट लिखते हैं, उसके बाद आप नेम ऑफ टीचर के बारे में बात लिखते हैं, और उसके बाद आप लिखेंगे क्लास। और नेक्स्ट फोर्थ कॉलम जो है वो है आपका डेट के लिए। डेट में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि डेट जो आपकी है वो 1 दिसंबर 2020। तो आइए देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट है ईएमसी वर्कशीट नंबर 18, और इसका यहाँ पर आपको लिंक भी दिया गया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेकिंग इनिशिएटिव। तो आपको इनिशिएटिव लेना है या पहल करनी है, तो ये कैसे करनी है स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं हमारा आज की ईएमसी की वर्कशीट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक रंग दे बसंती मूवी जो है उसका एग्जांपल देके बता रखा है कि टेकिंग इनिशिएटिव यानी कि पहल आप कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायलॉग से स्टार्ट करेंगे। रंग दे बसंती मूवी जो कि 2006 में रिलीज हुई थी स्टूडेंट्स, उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग था जो कि हमारी जिंदगी में बहुत जगह पर फिट बैठता है। वो क्या था कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, यानी कि आप लाइफ जो जी रहे उसके दो ही तरीके हैं, दो वे हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो क्या है, एक जो हो रहा है वो होने दो, बर्दाश्त करते जाओ। यानी कि जो भी हो रहा है हमारे समाज में, हमारे घरों के आसपास, हमारी कम्युनिटी में जो भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो ठीक नहीं है, उस सब को आप बर्दाश्त करते रहें, यानी कि उसको एज इट इज होने दें। और दूसरा क्या है, या फिर जिम्मेदारी उठाओ और उसे बदल दो, यानी कि उसको बदलने के लिए आप कुछ इनिशिएटिव उठाओ, कुछ पहल करो। ओके, उसके बाद देखते हैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि यहाँ पे डायलॉग दिया गया है कि रंग दे बसंती मूवी जो है या फिल्म जो है उसका ये संवाद बड़ी ही खूबसूरती से यह दिखाता है कि कैसे बदलाव की जिम्मेदारी हमारी एक पहल पर आधारित है। यानी कि देखिए हम क्या करते हैं, हमें बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है हमारे आसपास जो कि अच्छी नहीं हो रही, ठीक तरीके से नहीं की जा रही जो काम, और उनको हम बदलने की कोशिश करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो कमी होती है ना वो क्या होती है कि हम उसको इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम पहल करने से डरते हैं। कहीं पर हम दबावग्रस्त महसूस करते हैं, कहीं पर हम वो कंफर्टेबल जोन में नहीं होते। तो आगे पढ़ते हैं, जो व्यक्ति पहल करने का साहस दिखाते हैं वे ही जीवन में अपने साथ साथ समाज के लिए भी कुछ कर पाते हैं। देखिए अभी आप बाद में बात करते हैं किसी भी सामाजिक कुरीति के बारे में, समाज में हो रहे किसी भी गलत चीज के बारे में, तो उसको हम तभी बदल सकते हैं जब हम साहस दिखाते हैं, पहल करते हैं, उसके लिए एक इनिशिएटिव लेते हैं, उसके लिए एक कदम रखते हैं उसकी तरफ, उसको ठीक करने की तरफ। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आगे आपके लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी दे रखी स्टूडेंट, तो इसको देखिए अच्छे ध्यान से। तो एक्टिविटी क्या है, अब आप अपने जीवन से जुड़े क्षेत्रों में ऐसे 5 अवसर ढूंढें जिनके बारे में आप कुछ करना चाहते हैं जो आपने पहले नहीं किया। देखिए अब कुछ भी हो सकता है इसमें, मान लीजिए आपको अपने माता पिता की मदद करनी है जो आज तक आपने नहीं की, तो आप घर के कामों में उसकी उनकी मदद कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी किसी पड़ोसी से आपने कभी गलती से या फिर कभी उसको किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उसको मतलब कोई बुरा भला बोला गया है, या फिर कोई भी आपने गलत उससे व्यवहार किया है, तो उसके साथ आप जाकर उससे माफी मांग सकते हैं, या फिर उसको अपनी सिचुएशन क्लियर कर सकते हैं, या कुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ कुछ नया करने के मौके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए घर के अंदर व घर के आसपास नजर दौड़ाइए, ऑब्जर्व कीजिए क्या आप कर सकते हैं। किसी पड़ोसी से बात करना चाहते हैं पर नहीं की हो, जैसे कि एक उदाहरण है, आप किसी पड़ोसी से बात करना चाहते हैं लेकिन आपने आज तक नहीं की, तो उससे जाके बात कीजिए, एक अच्छा काम, एक नया काम आपके लिए होगा, उससे आपको एक पहल करने का एक नजरिया जो है, ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको मिलेगी। और उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं, मतलब किसी को मान लो फ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो उससे आप जाके बात कर सकते हैं, उसके लिए आपको भी पहल करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पापा या मम्मी के किसी काम में मदद करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, कुकिंग, डांस, पेंटिंग, कंप्यूटिंग या कुछ भी नया सीखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर किसी को सॉरी अगर आपको कहना था तो वो भी कह सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे काम हमने पहले ही उदाहरण के तौर पर बोल दिए हैं, तो यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैंने एग्जाम्पल दिया, तो कुछ वो आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, आप परिवार के सदस्यों से, दोस्तों से या किसी से भी चर्चा कर इन्हें नीचे लिखकर साझा कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आपको
कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे एक और दो, नंबर एक पॉइंट आप यहाँ ले सकते हैं, नंबर दो पॉइंट आप यहाँ ले सकते हैं, जो भी काम आपको करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर पांच कॉलम दिए गए हैं, ये तीसरा कॉलम, यहाँ चौथा और ये पांचवा कॉलम। तो यहाँ पर आप इन पांच कॉलमों के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वो काम डिफाइन कर सकते हैं, वो उस काम के बारे में लिख सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप पहल करना चाहते हैं। ओके, तो इसके मैं एक आपको एक और मूवी का एग्जाम्पल दे सकता हूँ इसके लिए, जिसके लिए आप जो लिख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, उससे कुछ अगर आपको मोटिवेशन मिले। तो जैसे कि पैडमैन मूवी में आप आई थिंक आपने सबने देखी होगी, उसमें हीरो थे अक्षय कुमार थे हमारे। तो अक्षय कुमार ने वहां पे क्या किया था, अक्षय कुमार ने वहां पे एक समाज में एक सैनिटरी पैड्स को लेकर काफी अच्छा अपना मतलब एक प्रोत्साहन मोटिवेटिंग काम किया था। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि भाई उनकी जो घर में महिलाएं हैं वो गंदा कपड़ा यूज कर रही हैं, और जिसके कारण उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ के लिए वो पहल करते हैं, अपनी वाइफ को जाके पहले तो क्या करते हैं, पहले खुद जाके सैनिटरी पैड परचेज करते हैं शॉप से, और अपनी वाइफ को वो देते हैं। तो वहां से उनकी एक शुरुआत होती है, उनको पता चलता है कि हमारे समाज में इसको गंदा क्यों माना जाता है। आप उनको यूनिवर्सली उन चीजों को देखे, यूज उनको सब करते हैं, बट उनको आप इतना ज्यादा खुल के नहीं बताते कभी भी उसके बारे में। तो वहां से उनको पता चला कि इतना महंगा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सस्ता किया उसको, सस्ता बनाने के लिए उन्होंने पेटेंट भी नहीं कराया, उनको फ्री में बांटा, काफी ऊंचे लेवल तक वो चले गए उसमें में। हालांकि वो एक मूवी थी, लेकिन हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे किन्हीं भी पांच कामों को डिफाइन कर सकते हैं जिनके बारे में आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, तो इसको और गहराई से समझने के लिए आओ कुछ करते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं उसमें हम देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि ऊपर बनाई गई पांच अवसरों की लिस्ट में कोई एक कार्य चुनकर नीचे लिखें जिन्हें आप अब करना चाहेंगे। जैसे अगर मान लो मैं बात करता हूँ, मेरा कोई फ्रेंड था, मेरा कोई दोस्त था एक्स, और मैंने कभी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण है किसी मतलब मानसिक तनाव के कारण उस बंदे से या उस फ्रेंड से, उस एक्स बंदे से मैंने गलती से कुछ मतलब ऊंची आवाज में बात की, जो कि उसको हर्ट कर गई, उसके बाद में हमारा थोड़ा सा रिश्ते में मन मुटाव आया। तो वो मन मुटाव क्या करेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम ये कर सकते हैं कि अब वो हमसे बात नहीं कर रहा मान लो उसके कारण, और हम भी उससे बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें लगता कि हमने कुछ गलत किया नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस समय लगता है कि कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें भी रियलाइज होता है कि यार गलती मेरी थी, ठीक है। तो गलती रियलाइजेशन होने के बाद, उस गलती का पता चलने के बाद, वो हमसे वो भी बात नहीं कर रहा, हम उससे बात नहीं कर रहे, तो किसी ना किसी को तो यहाँ भी पहल करनी पड़ेगी। तो उस सॉरी कहने के लिए या उससे दोबारा बात शुरू करने के लिए हम उससे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये सब डिफाइन कर सकते हैं कि ऊपर वाले जो पांच लिस्ट, पांच अवसर की जो लिस्ट है, उनमें से किस काम को आप चुनते हैं, किस काम को आप करना चाहते हैं अभी के अभी, तो उसके बारे में लिखिए। तो नीचे स्टार में दे रखा है कि अब आप अपनी चुनी हुई समस्या या अवसर पर पहल करने के विचारों विभिन्न तरीकों पर विचार करें। अब कैसे कर सकते हैं, देखिए तो मान लो मैं सोचता हूँ कि भाई मैं एक काम करूंगा, मैं उस बंदे को ना कोई नोट छोड़ूंगा, मैसेज भेजूंगा व्हाट्सएप के थ्रू, उसको कन्वेंस करने की कोशिश करूंगा, उसको सॉरी बोलने की कोशिश करूंगा। तो ये एक अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिनके ऊपर आप विचार करें कि भाई उसको मैं कैसे उसको मनाऊं, कैसे मैं उसको अपने दोस्त को वापस अपने पास अपने लिए अच्छा बना सकूं, उसका व्यवहार को ठीक कर सकूं, या फिर उसको मतलब मैं थोड़ा सा ये फील करा सकूं, मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ उसके लिए, और मैं उसके मुझे वो नहीं करना चाहिए था, और हम आगे से दोबारा तो वापस वो दोस्ती हमारी बना सके, कायम रख सके। उसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पर स्टूडेंट्स, जब आप वह पहल कर पाए, जो भी तरीका आपको पसंद हो, जैसे फोटो लेकर, वीडियो बनाकर, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि भाई मैं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कोई नोट छोड़ दूँ उसके पास, या फिर कोई उसको लेटर लिखूं, ठीक है। तो ये कुछ कोई भी तरीका हो सकता है, अभी भी आप फोटो लेकर उसको अपने दोस्त से मनाने की कोशिश, उसके ऊपर कोई वीडियो बनाए, उसके लिए कोई ड्राइंग बनाए, या फिर लिख कर या कोई अन्य तरीका आप बनाए। तो यहाँ पर आपको वो तरीका साझा करना है, यहाँ पर क्या करना है आपको, वो तरीका साझा करना, वो तरीका हमारे साथ शेयर करना है कि कैसे आपने अपने फ्रेंड के साथ कैसे अपने उस काम को करने के लिए आपने कैसे किस तरीके को यूज किया। तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में भी आप वो शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आइए देखिए आगे क्या दे रखा है वर्कशीट में। तो आगे हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो दे रखा है कि अब आप सोचकर जवाब दीजिए, अब आप सोचें इसके बारे में जो यहाँ पर लिखा है, और वो उसके बारे में जवाब दें। तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पर है कि पहल करना क्यों जरूरी है, इनिशिएटिव लेना जरूरी क्यों है। देखिए पहल करना जरूरी इसीलिए क्योंकि देखिए अभी मैंने अपने दोस्त का एग्जाम्पल आपको समझ लिया, अभी ये नहीं, अब मैं यहाँ भी ये नहीं बोलूंगा कि भाई मैं गलत है या सही था, क्योंकि मुझे भी पता है कि वो सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई थी, और आपको भी शायद उस सिचुएशन में जहां पर आपने जो काम करना चाहा है,
चाहे वो काम किसी और ने गलत किया, चाहे समाज में गलत हो रहा है, ठीक है, तो वो काम जो है वो काम आपने उसके लिए पहल क्यों करनी जरूरी है और आपकी तरफ से ही पहल क्यों हो, तो इसका सीधा सीधा कारण है कि भाई देखिए और कोई पहल कर नहीं रहा है उसके लिए, आपका दोस्त आपसे बात नहीं कर रहा है, आप उसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप दोनों का क्या हो रहा है, रिश्ता ही खराब हो रहा है उससे, तो आप क्या करेंगे, वो बात नहीं कर रहा क्योंकि गलती आपकी थी, वो ये मानता है कि गलती आपकी थी, आप भी मानते हो कि गलती आपकी थी कहीं ना कहीं, तो आप जाके उससे बात कर सकते हो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो अपना जो मन का उसके उसके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों क्लियर होगी और आप दोबारा से दोस्त बन जाएंगे। तो पहल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कोई पॉइंट यहाँ पर, क्या आप अपने जीवन की किसी समस्या या अवसर पर पहला कदम उठाने के लिए सक्षम महसूस कर रहे हैं कैसे? देखिए अभी इतना सब मैंने आपको बोला, इतना मोटिवेट करने की कोशिश किया है, लेकिन उसके बाद मान लो आपके दिमाग में कोई भी बात आती है, कोई भी आप अवसर पर पहला कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ अपने आपको सक्षम महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो क्या आप वो कर रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। यहाँ पर हम आप हमारे साथ अपना जो विचार है, वो जो थॉट है, वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आप भाई मतलब इस चीज के बारे में सक्षम महसूस करें, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और क्या कैसे कर सकते हैं उस काम को, इसके बारे में भी आप हमारे साथ विचार साझा कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगला पोर्शन जो है, अगला पॉइंट जो है वो यहाँ पर क्या दे रखा है, आपके विचार से लोग पहल करने में क्यों घबराते हैं? देखिए मेरा मन नहीं है, जैसे मैं अगर बोलूँ कि मैं अपने दोस्त से बात करने में क्यों घबरा रहा था, मुझे लग रहा था कि उसको खोना दूं भाई, सबसे बड़ी बात क्या है, आप किसी दोस्त को मन से दोस्त मानते हो, उसको तो अपना भाई मानते हो, उसको अपना बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हो, सुख दुख का साथी मानते हो, और उसके बाद फिर आप उसको खोने से डरते हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपको लगता है कि भाई मैं और ज्यादा बोलूंगा इस चीज के ऊपर तो वो कुछ लगता है और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। लेकिन एक बार बताता हूँ मैं आपको, दोस्ती जो होती है उसमें कभी आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो सामने से ज्यादा ज्यादा जाकर आपको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सामने से ज्यादा जाकर क्लियर नहीं कर रहे हैं ना, तो उस केस में क्या होगा, वो अपने अंदर एक देखिए वो जो अपनापन होता है ना, वो उससे धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जो आपकी दोस्ती है उसमें वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि तो दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जिसको देख के दूसरे बंदे ये बोले कि हाँ भाई देखो दोस्ती इनकी है, ऐसी नहीं कि हम ही जाके दूसरे लोगों को बोले कि यार क्या दोस्ती है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, दोस्ती जो होगी उसको मन से कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसके बारे में लिख सकते हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर करें कि आप क्यों घबराते हैं, पहल करने से क्यों घबराते हैं। अब अक्षय कुमार अगर पहल करने से घबराया होता तो उस मूवी में इतनी बड़ी बात नहीं होती, इतना सामाजिक जो एक स्टीरियोटाइप है, जो एक रूढ़िवादी था कि भाई और जो सैनिटरी पैड उसके बारे में हम बात करेंगे, लड़का अगर बोलता है तो फिर माता पिता है उसको ऐसे ऐसी नजरों से देखते, पता नहीं क्या क्या हो गया, उसने क्या बोल दिया। लेकिन एक मतलब एजुकेशन में हम मतलब शिक्षा जो है हमारी वो एक ऐसे स्तर पर जा चुकी है आज के टाइम पे कि इन चीजों के बारे में हम इन सामाजिक कुरीति के बारे में समाज में बात कर सकते हैं, जैसे कि दहेज प्रथा के बारे में, तो यहाँ पे दहेज के बारे में हम बात कर सकते हैं, जो भी लेना देना जो हो गया कानूनी, ठीक है। तो वो सारी चीजें ऐसी हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि हमने सीखा कि शुरुआत में नए काम हमें करना मुश्किल लगता है, परंतु इन्हीं कार्यों को यदि हम अपने मित्रों या परिवार के साथ तैयार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वही कार्य हमें मजेदार व आसान लगने लग जाते हैं। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अक्सर उठाया गया पहला कदम सबसे जरूरी कदम होता है। स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो भी लक्ष्य हमें चाहिए ना, उसको पूरा करने के लिए हमने जो सबसे पहला कदम उठाया वही सबसे बड़ा कदम होता है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, पहल करने से हमारे छुपे हुए गुण बाहर आते हैं। मैं मान लो मैं बोलता हूँ हम यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, हम आपको सिखा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, अगर मान लो हम ही पहल ना करें, हमने कभी ना कभी हमने ही पहल की होगी, ठीक है, तो जो हमारी जो पहली वीडियो आई थी ईएमसी की, उस पर रिस्पॉन्स आपका अच्छा आया, और मुझे ये भी पता है कि हमारी हर एक वीडियो को आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं और उससे काफी कुछ लाभ भी मिल रहा है आपको, काफी कुछ बेनिफिट भी आपको मिल रहा है, तो इसलिए आप और हम सब जुड़े हुए हैं। लेकिन जो पहले वीडियो थी ना स्टूडेंट्स, विश्वास कीजिए वो पहले वीडियो बनाने के समय पे हम भी थोड़े से नर्वस थे कि हमारा यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करेगा, कैसे हम सोसाइटी को फायदा आउट दे पाएंगे, कैसे हमारे स्टूडेंट इससे कुछ सीख पाएंगे, तो ये सब बातें हमारे दिमाग में भी थी, ठीक है। तो सबसे पहला जो कदम होता है सबसे बड़ा कदम वही होता है। तो आगे आप बात करते हैं, अब आइए हाँ या ना में जवाब देते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे पहला का तो पॉइंट आपको है, कभी कभी हम समाज के लिए सोचते तो वो तो पर कुछ समझ नहीं पाते कि शुरुआत कहाँ से करें और कैसे करें, कहीं आपके हाथ हुआ है, तो मेरे साथ तो ये हुआ है, तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको हाँ में उत्तर दूंगा, यस बोलूंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर टिक और क्रॉस का यूज करूंगा। उससे पहले अगला दूसरा आपका काम क्या है,
क्या पहला कदम बढ़ाने के बाद हमें वही कार्य अधिक आसान लगने लग जाएगी। सबसे पहला मैंने अभी ऊपर ही बोला है कि सबसे पहला कदम ही सबसे जरूरी कदम होता है, तो इसलिए सबसे पहला कदम उठाने के बाद कार्य जो है हाँ आसान लगता है। तो उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है कि जब कोई मुद्दा खड़ा हो जाए तो क्या शिकायत ही कर सकते हैं। देखिए, जब कोई भी मुद्दा खड़ा होता है तो शिकायत करना ही एक रास्ता नहीं होता, क्योंकि आपको पहल करनी, आपको ये समझना है सबसे पहले कि वो मुद्दा क्यों खड़ा हुआ, कारण क्या है, और आप उसके नेगेटिव पॉजिटिव सब देखेंगे, उसके बाद ही आप उसके बारे में कुछ इनिशिएटिव ले सकते, कुछ पहल कर सकते। शिकायत करना ही एकमात्र रास्ता नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका अंतिम पॉइंट है, क्या पहल करने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार करना पड़ता है। देखिए, पहल करने के लिए कोई बड़ा मौका नहीं चाहिए, ठीक है। आप किसी भी टाइम, किसी भी समय जो आपको लगता है भाई ये समाज में गलत हो रहा है, ये मैंने गलती की है, ये मुझे ऐसा करना चाहिए था, तो उसी टाइम पहल कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको एक आंतरिक शक्ति, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा खुद के अंदर की हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको शिकायत के लिए मैं ना बोलूंगा, क्रॉस लगाऊंगा यहाँ पे, और जो पहल करने के लिए इंतजार करना है उसके लिए मैं क्रॉस लगाऊंगा, कि कोई बड़ा मौका नहीं चाहिए। हम किसी भी छोटे मोटे समय या कोई ऐसा है, पंडित से समय निकलवाने की जरूरत नहीं, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको हमारी वर्कशीट से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि तो आज तक हम आपको डिलीवर करते आए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वर्कशीट जो है आज की वीडियो, और हमारी आज की वर्कशीट नंबर 18 AMC वर्कशीट नंबर 18 जो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो के अंत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट डालूंगा कि हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, कि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी अपनी नई और बिल्कुल विस्तृत जानकारी से युक्त अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते हैं। और इसीलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आपके कमेंट्स हमें भेजिए कैसी लगी आपको वीडियो हमारी, और इसको लाइक कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस वीडियो के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ओके। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जैसे आप हमारे साथ बने हुए हैं, आप हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं, हम अपने इतने इतना ज्यादा हम मोटिवेट होते हैं उस चीज से भी, तो वो अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।